अगर किसी फिनांस मैनेजर को कैपिटल अक्वायर करना है, फंड रेज करना है अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, मान लीजिए उसको 200-300 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसको अगर फंड रेज करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़ हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी इशू करके, बैंक से लोन ले करके, डिबेंचर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके, फॉरेन करेंसी में लोन ले करके, जहां से भी पैसा जुगाड़ कर सकता है पहले वो सारे सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके बाद जो काम होता है वो ये होता है कि वो इन तीन फैक्टर्स को, कॉस्ट, कंट्रोल और रिस्क, उसमें भी कॉस्ट और रिस्क ज्यादा, इन तीन फैक्टर को वो कंसीडर करता है। कॉस्ट फैक्टर का मतलब हो गया कि हम अगर फंड रेज कर रहे हैं, किसी भी दूसरे से पैसा ले रहे हैं, तो हमको उसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी पर एनम देना पड़ेगा। तो ये अगर मुझे जितना ज्यादा देना पड़ेगा मेरा बिजनेस उतना अनवायबल हो जाएगा। सो कॉस्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाई ए फिनांस मैनेजर व्हाइल रेजिंग द फंड्स। वेरी कॉस्टली या टू कॉस्टली फंड विल ऑलवेज रेज क्वेश्चन मार्क ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा फैक्टर है कंट्रोल। अगर हम इस तरह का फंड रेज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी रेज करके पैसा अगर उठाएंगे, तो कंट्रोल मेरे हाथ से उठ करके, मैं प्रमोटर हूं मान लीजिए, मेरे हाथ से उठ के किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, तो क्या मैं उस चीज के लिए रेडी हूं? बिकॉज आफ्टर ऑल इश्यूइंग इक्विटी मीन्स डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। रिस्क का फैक्टर क्या हो गया कि अगर आप डेट या लोन लेते हो तो आपको लोन का रीपेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट का हमेशा रिस्क रहेगा, लेकिन आप अगर इक्विटी इशू करते हो तो आपको रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, दैट वे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन अगेन इक्विटी अगर आप इशू करोगे तो कंट्रोल वाला इशू आएगा, कंट्रोल डाइल्यूट होगा। अब आपको कंट्रोल डाइल्यूट करना है या रिस्क कम लेना है? पैसा तो आपको चाहिए, लोन मतलब पैसा तो चाहे आप लोन से लो चाहे इक्विटी से लो, आपको रेज तो करना ही पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर डिसाइड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बैलेंसिंग करते हो। थैंक यू।